Assalamualaikum viewers, by the blessing of Allah, I am starting my vlog. और आज की जो रेसिपी है बहुत ही क्विक इजी रेसिपी है और सिंपल रेसिपी है बट टू मच हेल्दी. अच्छा, हमारे पास है इस वक्त ग्रेप्स है मेरे पास. ठीक है, ग्रेप्स ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इसको मजीद टेस्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेप्स के साथ मैंने लिए यहाँ 1 पैकेट है टेट्रा पैक क्रीम का. यहाँ पे मेरे पास है कुछ बिस्किट्स, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कोई से भी बिस्किट्स आप ले सकते हैं. और मेरे पास है 2 ग्लास फ्रेश मिल्क. अब हमें करना क्या है, ओवरऑल रेसिपी बहुत इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरे पास बिस्किट्स हैं इसको मुझे मिक्स कर देना है इस क्रीम में. ठीक है, इस टेट्रा पैक क्रीम में मिक्स करके मैं इसको छोड़ दूंगी जस्ट 3 या 4 मिनट के लिए. ठीक है, ताकि बिस्किट बिल्कुल सॉफ्ट होके इसमें एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है जी व्यूवर्स, ये फाइनल टेक्सचर है. मैंने क्रीम को थोड़ा सा बीट भी किया है स्पून से ही और इसमें मिक्स किए हैं बिस्किट्स. अब ये तमाम क्रीम जाएगी इन ग्रेप्स में. ठीक है, बिल्कुल क्लीन कर देंगे हम बाउल को. उसके बाद जस्ट हमें मिक्स करना है इसको ग्रेप्स को. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, अभी क्रीमी हो चुके हैं, लुकिंग टू मच यमी माशाल्लाह. और इसमें ऐड होगा ये 2 कप जो हमारे पास दूध है वो. चलें जी, दूध भी ऐड कर लिया. और जनाब अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको फर्दर मिक्स. थोड़ी देर में ये हो जाएगी थिक. ठीक है, दूध आप उतना ऐड कीजिए जितना आप समझते हैं कि जितनी थिकनेस आपको चाहिए उतना आप इसमें ऐड कर लीजिए. और मेरे पास जो था एक छोटा सा बिस्किट मैंने रहने दिया था, वो मैं इसके अंदर कर दूंगी डिप. ठीक है, अब आप इसको रेडी, तो ये हो चुका है, डन हो चुका है. आपको क्या करना है, जस्ट इसको फ्रिज में रखना है, रेफ्रिजरेट करना है. ठीक है, मैंने उतना दूध यूज किया जितने मैंने इसमें ग्रेप्स यूज किए और जितनी मुझे उसकी थिकनेस चाहिए. सही है, आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें. मेरा तो ऑलरेडी जो मैंने इसमें जो जो चीजें यूज की हैं वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी ठंडी थी. ठीक है, अच्छा जनाब ये छोटी सी वो रेसिपी है, इस रेसिपी के बेस पे आपके जो फ्रूट्स हैं वो और ज्यादा यमी और टेस्टी हो जाते हैं और ज्यादा जो है मजे से, स्पेशली वो लोग जो फ्रूट्स नहीं खाते वो इनको खा लेते हैं, प्लस उसकी जो आपके डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो भी आपको ज्यादा मिलती हैं. फ्रेंड्स, छोटा सा व्लॉग था, क्विक रेसिपी थी और इंशाल्लाह ताला आई विल बी साइनिंग इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन अल्लाह हाफिज. लेकिन अल्लाह हाफिज से पहले एक और बात, आप लोग मुझे इसकी फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक करना कभी भी मत भूलिएगा. इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, फी अमानुल्लाह.